अरे यहाँ पे एक से एक आदमी आएंगे, एक करने वाले लोग आएंगे, कोई फायदा नहीं है, सब ध्यान देने के बाद ही बात में डीमोटिवेशन स्टार्ट क्या होगी और आपकी बेटी भी क्या रहेगी अगर इतना ही आपको कॉन्फिडेंस है तो लड़की पे तो कीजिए, आप ही रिकॉर्ड कीजिए। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब आप जब फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग शुरू किए थे तो आपके मतलब घर से प्रेशर या आपके सोसाइटी से क्या प्रेशर रहा था? मेरे साथ ऐसा हुआ था, पहले तो हम ये बताते हैं कि मेरा नाम है सुकृति पांडे, पटना के ही रहने वाले हैं। एक कभी छोटे से ब्लॉगर हैं, बहुत ज़्यादा कुछ आगे किए नहीं है, पर आप जो क्वेश्चन पूछे उसका हम एक शॉर्ट में ही बताना चाहेंगे। मेरे भी घर से हमको कोई भी सपोर्ट नहीं मिला, मतलब ऐसा भी नहीं कि रोका जाता था, पर ऐसा भी नहीं कि फुली सपोर्ट मिलता था। अभी भी नहीं सपोर्ट मिलता, अभी भी घर से काफ़ी, जैसे यहाँ का ही ब्लॉग हम करने के लिए आए हैं तो घर से मम्मी लोग जल्दी नहीं देती है परमिशन, पापा मम्मी लोग नहीं देते हैं। लेकिन ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इन्हें होता है ना कि आपको अगर कुछ लाइफ में करना है तो थोड़ा सा जिद्दी भी बनना पड़ता है, थोड़ा पेरेंट्स को भी बोलना पड़ता है कि नहीं करने दीजिए, हम कुछ प्रूव करके दिखा सकते हैं। तो कभी भी ना अगर घर से आपको परमिशन ना मिले और आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप उसके लिए रुकिए मत। थोड़ा बहुत घर में होगा, हाँ निकल जाइए, कर लीजिए और आप बहुत आगे बढ़िएगा। सपोर्ट नहीं है, हम भी बिना सपोर्ट के ही कर रहे हैं कभी। तो मतलब आप घर पे हमेशा बता के जाते हैं या फिर मतलब ऐसे निकल जाते हैं? हम जहाँ भी जाते हैं बता कर जाते हैं, अब चाहे उसके बाद पापा मम्मी गुस्सा करें, पेरेंट्स गुस्सा करें, अब बोलते हैं। एक टाइम लिमिटेशन मेरे साथ हो जाता है, ठीक है अगर 1 बजे जा रही हो तो 3 बजे आ जाना है, 4 बजे आ जाना है, अगर 3 से ऊपर हुआ बस कॉल आना चालू हो जाता है। तो मतलब उन लड़कियों को बोलना चाहेंगे जो गांव घर में बहुत आजकल भी जो भी हर बॉयज हो या गर्ल्स हो मतलब कुछ करने के लिए बहुत सोचती है, क्या सोसाइटी बोलेगा या कोई उन लड़कियों के बारे में कुछ बोलिए थोड़ा। हाँ बिल्कुल बोलना चाहेंगे, चाहे वो गांव की लड़कियां हो या शहर की हो, काफ़ी सारे कंजर्वेटिव फैमिली में भी लोग जन्म लेती हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रुकावट होता है कि नहीं आपको ये नहीं करना है, इधर नहीं जाना है, वहाँ जाओगे तो लड़के से ये हो सकता है, वो हो सकता है, काफ़ी सारा प्रॉब्लम गर्ल्स को ज्यादा रेस होता है। हाँ लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो पेरेंट्स को स्वाभाविक है कि थोड़ा चिंता होगा, ठीक। लेकिन फिर भी लड़कियों को ये हम मैसेज देना चाहेंगे कि बहन रुकना नहीं, करती चली जाओ, आजकल की लड़कियां काफ़ी कुछ कर रही हैं, करती चली जाओ, कभी भी रुकना मत। जो भी काम आपको करना है, जिस चीज़ के लिए आप ठान ली है, उसके पीछे आप पड़ जाइए और उस काम को आप सक्सेसफुल करके दिखाइए, ये मेरा कहना है। थैंक यू सो मच। जब कुछ चाय कैसा लगा यहाँ पे? चाय एक नंबर लगा, मतलब हम क्या ही बोले। और सबसे बड़ी बात है कि प्रियंका जी का डेडिकेशन हमको बहुत पसंद आया, जिद है उनके अंदर, जो अभी हम बोले कि लड़कियाँ हो या लड़के हो, जिद होना चाहिए, आपको जो करना है वो आपको करना ही है। तो चाय बहुत टेस्टी था, एक नंबर। Oh, my God.